नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और भयंकर खबर, रुपयों के बंडलों और सोना चांदी से भरी मिली दुकानें, ज्वेलर्स कारोबारियों के घर आयकर विभाग का सबसे बड़ा छापा। दोस्तों बता दें कि कार के सीट कवर से मिला 12 किलो सोना तो मचा हडकंप, अधिकारियों की फटी रह गई आंखें। दुकान से कपड़ों की गांठ से 6 करोड़ के जो दोस्तों रुपये हैं वो बरामद किए गए हैं। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। कारोबारियों के 16 ठिकानों पर दोस्तों आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में सर्राफा व्यापारियों और रियल एस्टेट से संबंधित लोगों को ठिकाने पर आयकर विभाग की दोस्तों बड़ी छापेमारी हुई है, जिससे हडकंप मच गया है। दोस्तों बता दें कि आयकर विभाग की रेड के कारण सर्राफा व्यापारियों में दोस्तों दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। अब तक इस रेड में अफसरों ने 8 करोड़ रुपए नकद और 70 किलो सोना जब्त किया है। इसके साथ ही आयकर विभाग की टीम को 1500 करोड़ रुपए के फर्जी बिल भी मिले हैं। आयकर विभाग की इस छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अफसरों को एक व्यक्ति का भी नाम पता चला है, जिसके नाम पर सर्राफा व्यापारियों ने करीब 200 करोड़ रुपए के आभूषण बेचे थे। इसका बिल फर्जी है। वह शख्स एक ड्राइवर भी है। वहीं एक आभूषण व्यवसायी की गाड़ी की जब अधिकारियों ने तलाश ली तो उसके सीट कवर से 12 किलो सोना बरामद हुआ, जिसे देखकर दोस्तों जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो भी भौचक्के रह गए कि आखिरकार दोस्तों किस किस प्रकार के पैंतरे अपनाते हैं। वहीं दोस्तों बता दें कि बताया जा रहा है कि अफसरों को पहले गाड़ी में कुछ नज़र नहीं आया था, मगर फिर गाड़ी की सीट कवर को फाड़ कर देखा तो उसमें रखा सोना टीम ने बरामद कर लिया। आभूषण कारोबारियों ने कुछ ऐसे लोगों से भी गोल्ड खरीदा जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। उन्होंने उनमें से सोना कम कीमत में खरीदा। विभाग के अफसरों के हाथ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम पर सोना खरीदा और बेचा गया है, मगर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। जब आईटी की टीम ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने ऐसे किसी भी खरीद बिक्री को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की। बताया जा रहा था कि कारोबारियों ने करोड़ों की टैक्स चोरी की है। अब साथियों आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए, जो इस प्रकार से टैक्स चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, अफसर हो, चाहे दोस्तों वो कोई भी पार्टी का नेता हो, इनके खिलाफ दोस्तों कैसी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक अपडेट जा सके। धन्यवाद।